प्रणाम सभी भक्तों को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। हम लोग भगवान की विशेष कृपा से 11वें अध्याय को समाप्त कर चुके हैं, जिसमें भगवान का विराट रूप देखा, भगवान का चतुर्भुज नारायण रूप भी देखा और साथ में भगवान का द्विभुज भगवान श्री कृष्ण का रूप भी देखा। क्योंकि भगवान भक्तवत्सल हैं, भक्तवत्सलता के कारण अर्जुन ने जैसा जैसा डिमांड रखा भगवान ने तुरंत पूरा किया। ये भगवान का अनुग्रह मात्र था। अनुग्रह का अर्थ हमने सीखा था, अनु माने पीछे पीछे, ग्रह माने ग्रहण। तो भगवान हमारे अभ्यास के पीछे हमें ग्रहण करते हैं। जब हम अपने जीवन में भक्ति के लिए थोड़ा स्टेप उठाते हैं तो भगवान निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, भगवान से अधिक कोई सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता। तो भगवान को कोई ऑर्डर दे के कार्य नहीं करा सकता, भगवान की कृपा को ही प्राप्त करके भगवान के साथ भक्त आदान प्रदान का अनुभूति कर सकता है। ये जो अनुभूति है कृपा से ही होती है, कृपा भगवान की भक्त के प्रयास के पीछे पीछे हो जाती है। इसलिए भगवान ने प्रयास करने के लिए कहा, कोई भी व्यक्ति अर्जुन की तरह भगवान की भक्तवत्सलता का अनुभव कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो भगवान को पाने के लिए प्रयास करे। प्रयास में क्या करना चाहिए उसको? वेद पढ़ने चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, दान देना चाहिए, पूजा आदि करना चाहिए। बोले नहीं, 53वें श्लोक में पढ़ा, भगवान ने बता दिया, ऐसा अनुभूति जैसा अर्जुन तुम कर रहे हो ऐसी अनुभूति इन सब कार्यों से नहीं होगी। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असी माम यथा। जैसा तुम मुझे देख पा रहे हो ऐसा इन सब चीजों से नहीं संभव है। ऐसे कोई व्यक्ति भगवान की अनुभूति कर सकता है? 54वें श्लोक में भगवान ने 11वें अध्याय बताया था, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, जैसा मैं जाना जाता हूँ केवल भक्ति से ही जाना जाता हूँ। और जगह जगह भगवान ने ऐसा बताया है, भक्ति की महिमा को स्थापित किया है। और भक्ति की महिमा कैसी है? जिससे ना केवल भगवान को जाना जा सकता है ज्ञातुम, साथ में दृष्टुम, दृष्टुम मतलब भगवान को देखा भी जा सकता है, च तत्त्वेन प्रवेष्टुम, ना भगवान को देख सकते हैं जबकि भगवान के पास भी पहुंच सकते हैं, च परम तप, केवल भक्ति के द्वारा। भक्ति क्या चीज है? भक्ति किसको कहेंगे? बोले
कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति, जो यहाँ वर्णन किया गया, भक्तिया तू अनन्या, अनन्य भक्ति उसको कहते हैं जिसमें लक्ष्य श्री कृष्ण हो और कार्य कृष्ण के लिए करें। लक्ष्य श्री कृष्ण हो अर्थात हमें कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर ये नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं साथ में नौकरी चाहिए, भक्ति कर रहे हैं पैसा चाहिए, भक्ति कर रहे हैं मकान दुकान चाहिए, भक्ति कर रहे हैं पति पत्नी चाहिए, भक्ति कर रहे हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, नहीं चलेगा। वो अनन्य भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति की वो ताकत है। बाकी भक्ति आपको जो चाहते वो दे देगी, अगर कुछ चाहते है तो उसके लिए भी भक्ति करना चाहिए, लेकिन उतना देर फिर भगवान को पाने में लग जाएगी। भगवान तुरंत नहीं मिलेंगे, भगवान को पाने में देर लगेगी। इसलिए अनन्य भक्ति अर्थात जिसमें भगवान कृष्ण ही लक्ष्य हो। दूसरा कोई कहे कि ठीक है मेरा लक्ष्य कृष्ण है, लेकिन उसके अंदर क्रियाशीलता नहीं है, बोले मैं लक्ष्य बना करके बैठ गया हूं कृष्ण ही मुझे चाहिए, मुझे रोटी पानी मकान दुकान गाड़ी बंगला पूजा लाभ प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, क्यों कुछ चाहिए नहीं तो मैं काम क्यों करूं? आदमी को कुछ चाहिए होता है तो काम करता है, पैसा चाहिए होता है तो फिर नौकरी के लिए काम करता है, आठ आठ दस दस घंटे काम करता है। पत्नी चाहिए होती है तो पढ़ाई लिखाई करता है, पोस्ट पोजीशन नौकरी चाकरी लगाता है, तब जाकर के पत्नी मिलती है। उसको भोजन चाहिए तो कुकिंग करता है, उसको मकान दुकान चाहिए तो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, मकान दुकान को बनाता है बनवाता है। तो जब किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है तो व्यक्ति क्रियाशील प्राय देखा जाता है। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं कृष्ण चाहिए, तो अगर कृष्ण को लक्ष्य बनाए तो बोले मेरे को तो कृष्ण चाहिए, भोजन तो चाहिए नहीं, अपने आप मिल जाएगा, मेरे को आश्रम वाले दे देंगे तो खा लूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा। ऐसे ही मेरे को मकान दुकान चाहिए नहीं तो मैं मकान दुकान के लिए क्यों मेहनत करूं? मेरे को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही काम करना, बस आराम फरमाना है। तो आराम फरमाने से भगवान नहीं मिलेंगे, हमें भगवान के लिए काम करना पड़ेगा। तो भगवान के लिए काम कैसे होता है? आज्ञा पालन करने से होता है, भगवान की आज्ञा। भगवान ने आज्ञा कहां दी है? पूरी गीता आज्ञा ही तो है। जिसमें भगवान को, अगर गीता को कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो गुरु परंपरा है, परंपरा के माध्यम से भी समझ सकता है व्यक्ति। आज्ञा परंपरा के माध्यम से भी उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। इस प्रकार से 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति की बात कही, जिसमें लक्ष्य कृष्ण हो और कृष्ण के लिए ही काम हो। फिर न पिता के लिए कार्य होता है, न माँ के लिए कार्य होता है, न देश के लिए कार्य होता है, न भाई के लिए कार्य होता है, फिर संसार में न अपने मन के लिए कार्य होता है, किसी के लिए कार्य नहीं होता। कार्य फिर केवल श्री कृष्ण के लिए होता है। कैसे कार्य होता है? मत कर्म कृत मत कर्म, मुझे परम सबसे श्रेष्ठ मुझे मानते हुए, मद भक्त मेरे भक्त बन करके, संग वर्जित सारी संसार की आसक्तियों को छोड़ करके, किसी से कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए। आसक्ति छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सबसे दुश्मनी निभाने, आसक्ति छोड़ी है सम्मान सबका करना चाहिए। निर्भय रहो सर्वभूतेषु, सब जीवों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान मतलब आज्ञा पालन सब जीवों की नहीं करनी होती, आज्ञा पालन भगवान की करनी होती है और भगवान के शुद्ध भक्त गुरुजनों की करनी होती है। यह समामिति पांडव, ऐसा भक्ति ही मेरे पास आ जाता है। जब ऐसी चर्चा हुई तो 12वें अध्याय में अर्जुन ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और फिर 12वें अध्याय में इस प्रश्न के उत्तर को देते हुए भगवान इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जिसको भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। तो भगवान से अर्जुन ने, इसलिए आप कृपा करके ये बताएं कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। आपके निराकार रूप की उपासना करने वाले लोग बड़े हैं या आपके साकार रूप की उपासना करने वाले लोग बड़े हैं?
एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं परिउपास्ते, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम। दो प्रकार के लोग समाज में देखे ही जाते हैं प्राय। बोले इन दोनों में से कौन से श्रेष्ठ है? समाज में बहुत सारे लोग गीता के ऊपर चर्चा तो करते हैं, लेकिन गीता के इस एसेंस को लोग नहीं समझ पाते। भारतवर्ष में एमपी की घटना है, 1975 के आसपास प्रभुपाद जी विदेश से आए थे अपने भक्तों के साथ, तो गीता सम्मेलन था, प्रभुपाद जी का वर्चस्व था, लोग प्रभुपाद जी को अच्छी तरह से जानने लगे थे। तो प्रभुपाद जी को उस गीता सम्मेलन में बुलाया गया। प्रभुपाद जी गए तो वहां जाकर के देखा कि कहीं कोई भगवान श्री कृष्ण का कोई चित्र ही नहीं है, अर्जुन का भी कोई चित्र नहीं। वहां एक लैंप जल रहा था, दीपक जलाने के लिए बीच में रखा हुआ था। प्रभुपाद जी ने बोला गीता सम्मेलन है और गीता के कहने वाले जो भगवान है उनका कहीं नामो निशान नहीं है, ऐसा कैसे? वहां के अनुयायी बोले कि जो गीता भगवान ने बताया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, जब भगवान सर्वव्यापी हैं तो भगवान इस लैंप के अंदर भी है, इस दिए के माध्यम से भी भगवान का प्रकाश फैलता है, इसलिए हम तो भगवान को इसके अंदर ही देख रहे हैं, ऐसा उन लोगों ने जवाब दिया। प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, प्रभुपाद जी वहां से चले आए। और बाद में जब प्रभुपाद जी के प्रवचन का समय आया तो वो लोग प्रभुपाद जी को बुलाने के लिए आए। प्रभुपाद जी ने बड़े तरीके से कहा कि देखो मेरा स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, मेरा शिष्य गुरुदास आकर के प्रवचन करेगा। जब ऐसा बोला तो बड़े खुश हो रहे थे वो लोग। फिर उन्होंने लेक्चर और कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा देखो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भगवान नहीं है, लैंप में भी भगवान है, अरे हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें भी भगवान है, रसगुल्ला खाते रसगुल्ले में भी भगवान, और रसगुल्ले को खा करके पचा करके जो मल त्याग करते उस मल में भी भगवान है, भगवान कहां नहीं। बोले लेकिन अगर हम भगवान को सर्वत्र देखते हैं तो फिर कोई भेदभाव नहीं देखना चाहिए, और आप लोगों के अंदर भेदभाव है ही नहीं। बोले पक्का जैसे रसगुल्ले को देख करके आप लोगों का, भगवान को देख करके जैसे पानी आ जाता है मुंह में, ऐसे ही मल को देख करके भी आप लोगों के अंदर पानी आ जाता होगा, अर्थात मुंह में पानी आ जाता होगा उसको खाने को लेकर के। इतना जब सुना तो सब के सब भड़क गए और सब प्रभुपाद जी के पास जाकर के कहा कि आपके शिष्य ने इतना बड़ा हमारा घोर अपमान किया, ऐसा किया वैसा किया, और हमें ये बोला कि अगर आप निराकारवादी हो तो जैसे रसगुल्ला खाने में आपको कठिनाई नहीं होती ऐसे मल खाने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है ना, भगवान तो सब जगह है। प्रभुपाद जी ने उन लोगों से माफी मांगी, मेरे शिष्य की ओर से माफी मांगता हूँ, एक्चुअली विदेशी लोग हैं, अरे बेचारे ऐसे ही हैं, कुछ ज्यादा ही ग्राफिक होते हैं लोग, तो चीजों की कुछ ज्यादा ही बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, इसलिए अब इनको माफ कर दो, मेरी ओर से मैं भी माफी चाहता हूँ। वो लोग चले गए। प्रभुपाद जी ने गुरुदास जी को बुलाया और गुरुदास जी को बोलने लगे, गुरुदास तुमने कितना सुंदर उदाहरण दिया, क्या तुम्हारे इस उदाहरण को मैं भी अपने प्रवचनों में यूज कर सकता हूँ? ये कितनी प्रैक्टिकल बात बताई तुमने। तो प्रभुपाद जी इस बात को लेकर के वास्तव में बड़े प्रसन्न हुए कि जो निराकारवादी होते हैं ये इतने श्रेष्ठ नहीं होते, साकार उपासना श्रेष्ठ उपासना है। तो यहाँ पर भगवान से प्रश्न किया अर्जुन ने कि दो प्रकार के लोग पाए जाते प्रभु, एवं सतत युक्ताय, जो सतत आपकी, ये माने त्वाम, त्वाम माने ये माने जो लोग, त्वाम मतलब आपकी, भक्ता जो आपके भक्त हैं, और भक्तों की पहचान क्या होती है, परि उपासना, उपासना करते हैं आपकी, आराधना करते हैं। ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, जो व्यक्त नहीं है, सर्वव्यापी रूप से निराकार रूप से सारे संसार में व्याप्त है, तेषाम के योग वित्तम, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने
समय नष्ट नहीं किया और सीधा उत्तर दे दिया दूसरे श्लोक में, मैया वेश मनोविमान, श्री भगवान वाच भगवान ने कहा जिनके मन मेरे में लगे हुए हैं, माम नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य युक्त होकर के अपने उपासना में लगे रहते हैं, कैसे उपासना करते हैं, श्रद्धा, ध्यान दो श्रद्धा, बिना श्रद्धा के उपासना का मतलब नहीं निकलता, वो फिर लौकिक की क्रिया है, देखा देखी वाली क्रिया है, सब अगरबत्ती घुमा रहे हैं हम भी अगरबत्ती घुमा रहे हैं, सब दिया घुमा रहे हैं हम भी दिया घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, भगवान कौन है, भगवान की क्या सत्ता है, भगवान की क्या ऐश्वर्य है, हमें नहीं जानकारी है, जब जानकारी नहीं है तो हम उस प्रकार से कैसे उनके अंदर श्रद्धा विकसित करेंगे, इसलिए भगवान ने श्रद्धा की बात पहले ही बताया, श्रद्धा कहाँ से आती है, ज्ञान से आती है, ज्ञान कहाँ से आता है, सुनने से आता है, जब हम भगवान के ऐश्वर्य को सुनते हैं तब ज्ञान आता है, ज्ञान से श्रद्धा आती है, श्रद्धा से फिर आराधना चालू होती है, स्मरण आदि श्रवणम आदि वो वाली आराधना चालू होती है, इसलिए भगवान कह रहे हैं बार बार श्रद्धया परे परा श्रद्धा चाहिए, पराश्रद्धा शास्त्र को सुनने से आती है, जो चीजें हमारी इंद्रियों से परे है उसको हम इंद्रियों से देख करके भावना विकसित नहीं कर सकते, हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर की चीज है, तो इंद्रियों से पकड़ के बाहर की चीज का अनुभूति कैसे होता है, बोले शब्द प्रमाण से, कोई प्रामाणिक व्यक्ति उस शब्द को हमें सुनाता है तो हमारे अंदर श्रद्धा हो जाती है, जैसे हमारे माता पिता कौन है, हमारे पिता कौन है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट से पहले की बात है, हमारी सत्ता में आने से पहले की बात है, हमको नहीं पता था कि हमारे पिता कौन है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, इसके लिए माँ से पूछा जाए कि हमारे पिता कौन है, माँ ऑथराइज्ड सोर्स है, और माँ अगर बता देती है तो इसको पराश्रद्धा कहते हैं, जो बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट चीजें होती हैं उसको प्रामाणिक स्रोत से सुनने से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट चीजें भगवान को लेकर के हम अपना आप में कोई एक्सपेरिमेंट करके तो भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते, तो भगवान अनुग्रह करेंगे तो ही हो सकता है, तो भगवान कब अनुग्रह करते हैं, जब भगवान के प्रति श्रद्धा होती, श्रद्धा कब होगी, पराश्रद्धा लगेगी, अपरा तो इस संसार है, परा मतलब इस संसार बाहर की चीज, बाहर की चीज जो हमारी पकड़ से बाहर है वो हमें शास्त्रों के द्वारा पता चल सकता है, भगवान के भक्तों द्वारा पता चल सकता है, परंपरा से पता चल सकता है, तो बोले श्रद्धया परियोपेता ते में युक्त तम, ऐसे श्रद्धा वाले, खाली भावना में कोरी भावना में बह करके कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो नहीं चलेगा, तो भावना, और कोई व्यक्ति बहुत सारे शास्त्रों को स्वीकार कर लिया उसने लेकिन उपासना नहीं करता, उसका भी कार्य नहीं स्वीकार होगा, इसलिए श्रद्धया परियोपेता ते में युक्त तमाम, मतलब जो नित्य युक्त होकर के उपासना करता है, दो चीजें हमने बताई, एक उपासना होनी चाहिए और एक श्रद्धा होनी चाहिए, रूपा जी कहते थे श्रद्धा का मतलब फिलोसफी, शास्त्र का आधार लेकर के जो भावना जागृत होती है, तो रूपा जी कहते थे डिवोशनल सर्विस विदाउट फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग इट जस्ट लाइक ए सेंटिमेंट्स, अर्थात कोरी भावना है उससे भगवान नहीं मिलेंगे, जिसमें कि फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो केवल भावनात्मक व्यक्ति है, भावनात्मक क्रियाओं में लगा हुआ है, और क्या कहते थे प्रभुपाद जी, बोले फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग और फिलोसॉफिकल एंडेवर विदाउट डिवोशनल सर्विस इट जस्ट लाइक ए मेंटल स्पेकुलेशन, तो कोई व्यक्ति फिलोसॉफी की चर्चा कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, डिवोशनल सर्विस में अपने आप को एंगेज नहीं कर पा रहा है, तो बोले फिर मेंटल स्पेकुलेशन है, वो केवल मनगढ़ंत विचारधारा में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग प्लस डिवोशनल सर्विस, इसी को यहां कह रहे हैं, एक तो श्रद्धया परियोपेता पराश्रद्धा होनी चाहिए, जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, जैसे आप गीता सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसके आधार पर जो बुद्धि विकसित होगी कि भाई भगवान यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं इसलिए हमें भक्ति करनी होगी, श्रद्धया परियोपेता क्यों हम साकार उपासना कर रहे हैं, क्यों निराकार नहीं कर सकते, बोले इसलिए नहीं कर सकते क्यों भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं, भगवान के वचन है, तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धया परियोपेता, दूसरा नित्य उक्त उपासते,
उपासना में भी लगना पड़ेगा, दोनों चीजें चाहिए। तो बोले वो लोग मेरी नजर में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं, और जो निराकार की उपासना करते वो भी तो आप ही से निकला है। मैंने विराट रूप के अंतर्गत देखा आपका रूप, जिसका ना आदि न मध्य न अंत को समझ ही नहीं आ रहा था, इतना विस्तारित रूप था, इतना सर्वव्यापी रूप था, मैं समझ ही नहीं रहा था आदि कहाँ है, मध्य कहाँ है, अंत कहाँ है। तो बोले जो उस प्रकार की उपासना करता है निराकार की, ये तू अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्त उपरि उपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयत। ये सब भगवान के तीसरे श्लोक में एडजेक्टिव्स बताए निराकार वाले। निराकार भगवान कौन होता है? जो अक्षर है, जो हमारी आंखों से परे है, जो हम अपनी आंखों से पकड़ नहीं सकते, अनिर्देशित है अर्थात उसको कोई बोल नहीं सकता ए भगवान का यहाँ देखो, ये भगवान यहाँ विराजमान है, ऐसे उंगली करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि निराकार का विग्रह थोड़ी होता है, आकार का विग्रह होता है। विग्रह उपासना साकार भक्तों के लिए है, तो वहां तो निर्देशित किया जा सकता है। तीसरा जब है ही नहीं तो अव्यक्त है, व्यक्त है ही नहीं, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, पर उपासते क्या सोच करके उपासना कर रहा है फिर वो व्यक्ति? सर्वत्र गम, भगवान सब जगह है, सब जगह दिखाई, अनुभूति क्यों नहीं हो रही? बोले अचिंत्य है, हमारी चिंतन से परे है, कूटस्थ है, अचलम है और ध्रुवम है। ये सब भगवान के लक्षण बताए निराकार वाले भगवान के, और इन भगवान की अनुभूति कैसे की जा सकती है? योग्यता बता रहे संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित करना पड़ेगा। ऐसी योग्यता साकार उपासक के लिए नहीं, साकार उपासक इंद्रियां संयम में नहीं है, आप इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते तो मत करो, भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ और भोग लगा के इंद्रियों को तुष्ट करो। आपको अगर आंखों से बहुत सुंदर चीजें देखनी तो भगवान का सुंदर श्रृंगार करो और फिर भगवान का आंखों से दर्शन करो। आपके कान संयम में नहीं रह रहे, म्यूजिक मांग रहे हैं तो आप संकीर्तन कर लो, भजन सुन लो, अच्छे अच्छे बड़े प्रॉपर म्यूजिक के साथ भजन आप गा सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सारी इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करना पड़ेगा। सर्वत्र संबुद्धय, और सब जगह समान बुद्धि लगानी पड़ेगी। ते प्राप्ति बनती मामेव, और वो लोग मेरी प्राप्ति करते निराकार रूप की। सर्वभूत एते रता, लेकिन उसके लिए उनको सब जीवों के भले का सोचना पड़ता है। पांचवें श्लोक में भगवान ने बताया, तीसरे से लेकर के पांचवें श्लोक तक भगवान इस रहस्य को बता रहे हैं निराकार वादियों को लेकर के। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं बोले क्लेशो अधिकतरस तेषाम, ऐसे लोगों को बड़े क्लेश झेलने पड़ते हैं। ये मार्ग तो है निराकार मार्ग, लेकिन इसमें बड़े कष्ट हैं। सबसे बड़ा कष्ट तो इंद्रिय संयम का है, इंद्रिय संयम करना इतना सहज बात नहीं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, पर इसका परिणाम भी कोई बहुत ज्यादा सुखदायक नहीं होता, और इसमें चलना भी इतना सुखदायक नहीं होता। गतिर दुखम देह व अवधिर अभाव्य, जिसने देह धारण किया उसके लिए तो बहुत कठिन है। दूसरी ओर जो व्यक्ति ने मेरा आश्रय लिया है, छठवें सातवें श्लोक में जो भक्त बन करके साकार उपासना करता है, ये तू सर्वानी कर्माणि मई संन्यस्य मत्परा, जो सारे कर्मों को मेरे लिए करता है त्याग करते हुए संसारी कर्मों को, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य भाव से मेरा उपासना करता है, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनके लिए उद्धारक बन जाता हूं। कहां से? मैं उठा के ले जाता हूं मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार से, जो कि आसान नहीं है। भवामी न चिरात पार्थ, जो जल्दी नहीं होता आसानी से, लेकिन ऐसे भक्तों के लिए चीज जल्दी हो जाती है, इसमें मैं देर नहीं लगाता। मई आवेशित चेतसाम, जिनके चित्त मेरे में आवेशित हो गया है, जिन्होंने अपने मन को मेरे अंदर लगा दिया है। इसलिए भगवान अर्जुन को भी यहाँ आठवें श्लोक से आगे उपदेश दे रहे हैं, तुम अपने मन को मेरे में लगा दो। मई एव मन आदर्श, मन को लगा दो और बुद्धि को लगा दो मेरे में। मेरे में मतलब कृष्ण भगवान में, कृष्ण भगवान जिनका की साकार रूप है, जिनका की विग्रह है, भगवान कह रहे हैं उसमें लगा दो। कैसे लगा दें? उनका श्रृंगार करने में लगा दो, उनके कपड़े सिलने में लगा दो,
उनका मंदिर निर्माण करने में लगा दो, उनका संकीर्तन करने में लगा दो, उनके प्रचार प्रसार में लगा दो। इस प्रकार से मन बुद्धि को रात दिन उसमें लगा करके क्या कर सकते हैं, फल क्या मिलेगा, निविशेष्य सी मैये, वो नित्य रूप से मेरे में ही वास करता है। एक प्रकार से मन बुद्धि को बस लगाने की जरूरत है। अतः ऊर्ध्वम न संशय, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, प्रभु अगर कोई व्यक्ति ऐसे मन और बुद्धि को नहीं लगा पा रहा है क्या उसके लिए दरवाजे बंद है? बोले नहीं, उसके लिए भी दरवाजे बंद नहीं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिर। देखो भगवान की दया, देखो भगवान कह रहे अगर तुम चित्त को समाधातुम पूरी तरह से न शक्नोषि मयि स्थिर, मेरे में नहीं लगा सकते और स्थिर नहीं कर सकते, तब तुम क्या करो, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। अरे इच्छा मन में हो जाती है, किसी चीज की इच्छा होगी तो मन तो उसमें अपने आप ही लग जाएगा ना। आइसक्रीम की इच्छा है तो मन अपने आप घुस जाएगा, मीठे की इच्छा है तो अपने आप घुस जाएगा, नमकीन की इच्छा है तो अपने आप घुस जाएगा। जिस चीज की इच्छा है उसमें मन लगाना थोड़ी पड़ता, अपने आप लग जाता है। तो मन क्यों नहीं लग रहा, बोले कहीं ना कहीं इच्छा की कमी है। तो बोले इच्छा पहले जागृत कर लो, अगर तुम मन को नहीं लगा पा रहे हो, मतलब इच्छा तुम्हारी मेरे प्रति नहीं है, मेरे को पाने की नहीं है, अन्य चीजों को पाने की है, रसगुल्ला पाने की है, मिठाई पाने की है, लड्डू पाने की है, इधर उधर घूमने फिरने की है, तुम्हारी अय्याशी करने की इच्छा है, तो कोई बात नहीं, उस इच्छा के साथ साथ तुम मेरा भक्ति का अभ्यास कर लो, जबरदस्ती अभ्यास कर लो। बोले अभ्यास योगेन ततो, उस अभ्यास का फायदा क्या होगा, माम इच्छा तुम धनंजय, तुम्हारे अंदर मेरी प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाएगी अभ्यास करने से। जैसे हम नाम जप का अभ्यास करते हैं, नाचने का अभ्यास करते हैं, गीता पढ़ने का अभ्यास करते हैं, भागवत पढ़ने का अभ्यास करते हैं, साथ में संसारी इच्छाओं के पीछे पीछे भी भागते रहते हैं, लेकिन साथ में इस अभ्यास को भी करते रहते हैं, तो भगवान को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। और जब जागृत हो जाएगी तो अपने आप ही मन लग जाएगा, फिर अपने आप बुद्धि आदि सब लगेगी। कोई व्यक्ति कहे भैया मेरे बस की बात अभ्यास करने की भी नहीं, मेरे से सुबह उठा ही नहीं जाता, मैं तो उठने के लिए तैयार था लेकिन आंख ही नहीं खुली, और आज ही नहीं खुली, दो दिन से नहीं खुल रही है। आज एक भक्त को मैंने पूछा तो कह रहा दो दिन से आंख नहीं खुली। अच्छा मतलब आंख क्यों नहीं खुली? बोले ये आंख ही बता सकती है। मैं बोला आंख सुनती नहीं क्या तेरा? तूने रात को बोलना चाहिए आंख को कि कल सुबह खुल जाना, सोते समय रात को आंख को ऐसा बोल देना चाहिए था। तो फिर आंख मना कर रही थी क्या? बोले मना तो नहीं कर रही थी, बोल तो रही थी कि सुबह उठ जाऊंगी मैं, खुल जाऊंगी सुबह, लेकिन फिर मतलब फिर क्यों नहीं खुली? बोले आंख ने धोखा दे दिया है। मतलब आंख तो बहुत धोखेबाज है, तो ठीक है मैं बोला दो चार दिन ऐसे आंख को मौका दे दे, नहीं तो दो सुए ला करके मेरे को दे दे, ये धोखेबाज लोगों को फोड़ देना चाहिए। तो आंख खुलेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तेरी सहायता करूंगा इस धोखेबाज लोगों से निपटने के लिए, और तू सुआ नहीं ला करके देगा तो मैं ला करके रख लूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तो चिंता मत कर। आंख को बोल देना या तो धोखा देना छोड़ दे या फिर फूटने के लिए तैयार हो जाए। तो आदमी को कई बार ऐसी जब चर्चा हो जाती है तो व्यक्ति सोचता है यार आंख फूट जाए इससे अच्छा निकल लो यहां से पतली गली से। तो कई बार व्यक्ति अभ्यास योग में नहीं लगना चाहता, बोले अभ्यास करने की मेरे बस की बात नहीं है, आप डांस कराते हो एड़ियां टूटती हैं, साइटिका मेरे को हो रखा है, कमर दर्द होना चालू हो गया है, मेरे घुटने दर्द करते हैं, नसें दर्द करती हैं, और आप हाथ धो के पीछे पड़े रहते हो। बोले ये अभ्यास करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर साइटिका में कौन सा अभ्यास हो सकता है? बोले सोने का अभ्यास हो सकता है बढ़िया। तो उस अभ्यास से तो फिर पोलर बियर बनना पड़ेगा अगले जन्म में, सोने का ही अभ्यास की इच्छा उत्पन्न होती चली जाएगी, लेकिन ये अभ्यास तो करना पड़ेगा। बोले फिर भी अगर अभ्यास नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, भगवान रास्ता उन लोगों के लिए फिर भी बंद नहीं करते। कोई कोई व्यक्ति जबरदस्ती करके आगे बढ़ जाता है, कोई कोई व्यक्ति हाथ ही खड़े कर देता है मेरे बस की बात नहीं, तो भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम पतली गली से निकल के निकल जाओ और फिर क्या करो, फिर भी तुम मेरे पास आ सकते हो, लेकिन थोड़ा रास्ता लंबा हो जाएगा, थोड़ा देर से आओगे। क्या कर सकते हो? अभ्यास से अपि असमर्थो असि, अभ्यास में भी अगर तुम असमर्थ हो
तो तुम मेरे लिए काम करो। मत कर्म परमो भव, मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वम सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए तुम काम करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे लिए काम करो। भक्ति का सीधा सीधा अभ्यास नहीं कर सकते तो भक्तों के लिए कुर्ता सिलना चालू कर दो, गायों की सेवा करना चालू कर दो, मंदिर में पहरेदारी चालू कर दो, मंदिर में साफ सफाई चालू कर दो। तो जो चीजें कर सकते हो, आपको जो चीजें पसंद है वो वाले काम चालू कर दो, गुरुकुल में पढ़ाना चालू कर दो, जो कर सकते हो वो करो। कोई व्यक्ति कहे भैया मैं भगवान के लिए काम नहीं कर सकता, मैं तो किसी मालिक के लिए काम करूंगा, किसी कंपनी में काम कर सकता हूं, मेरे को तो भगवान के लिए काम करने में बेइज्जती महसूस होती है, तो भगवान कह रहे हैं उसके लिए भी रास्ता बंद नहीं। अथ एतत् अपि अशक्तो असि, अगर तुम ऐसा करने में भी अशक्त हो, तुम्हारी ताकत नहीं है, तो अब तुम क्या करो, क्या करने में तुम ताकत नहीं कर पा रहे हो। कर्तुम मद योगम आश्रिता, मेरे भक्ति योग का आश्रय लेकर के तुम कार्य अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या करो, सर्व कर्म फल त्यागम, तुम कर्म के फल का त्याग कर दो। तथा कुरु यत आत्मवान, इससे तुम आत्मा का अनुभूति करने लग जाओगे धीरे धीरे और फिर ऊपर की ओर बढ़ोगे। अर्थात भगवान कह रहे हैं तुम जो कुछ भी संसार में काम कर रहे हो, अभी तुम मंदिर में तो काम कर नहीं रहे हो, मंदिर में ना पहरेदारी कर पा रहे हो, ना साफ सफाई कर पा रहे हो, ना गौ सेवा कर पा रहे हो, ना गुरुकुल के बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, ना कंस्ट्रक्शन का काम देख पा रहे हो, ना पीआर देख पा रहे हो, ना तुम कुकिंग कर पा रहे हो, ना तुम झाड़ू पोछा कर पा रहे हो, तुम बेइज्जती महसूस कर रहे हो समर्पण करने में, तो तुम संसार में काम करो। और संसार का जो कर्म फल है, कर्म फल मतलब पैसा, सीधा सीधा भाषा में कहा जाए तो तुम जो कुछ भी पैसा कमा रहे हो सारा पैसा मेरे लिए दान दे दो, इससे भी तुम मेरे पास आ जाओगे। कोई कहे कि भैया मैं तो दान भी नहीं दे सकता, बोले अगर तुम दान भी नहीं दे सकते तो तुम क्या कर सकते हो, बोले समाज सेवा में दान को लगा लो। भगवान की सेवा में अगर तुम्हारे ऊपर कोई फैमिली प्रेशर है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो तुम जो कुछ भी कमा रहे हो उसको तुम संसार की सेवा में लगा, संसारी लोगों के लिए पैसे को लगा दो, अपने पास पैसे को मत रखो। अपने पास अगर पैसे को रख लिया, बोले आप इतना पीछे ही क्यों पड़े हाथ धो करके कि कुछ रखो ही मत, दान दे दो, जीवन को दे दो, नहीं दे सकते तो पैसे को दे दो, पैसे को भगवान को नहीं दे सकते बोले किसी और को दे दो, अंधों को दे दो, गरीबों को दे दो, गौ माता की सेवा में लगा दो, बीमारों को दे दो, जिसको देना है किसी ना किसी को दे दो, अपने पास मत रखो। तो बोले इतना पीछे क्यों पड़े, बोले इसलिए पीछे पड़े हैं क्योंकि तुम उसका भोग करोगे तो तुम संसार में फंसते चले जाओगे। त्याग से जो शांति मिलती है, त्यागा शांति मनंतरम, त्याग करने से शांति आती। और कोई व्यक्ति बोले मेरे पास त्याग करने की भी ताकत नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता किसी को, क्या उसके लिए भी दरवाजे बंद हैं, बोले नहीं उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। श्रेयो ही ज्ञानम, उस ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, उसको मंदिर में जाकर के संडे प्रोग्राम में जाकर के कथा सुननी चाहिए, इतना तो कर सकते हो। कम से कम बीच बीच में कहीं भी दान दो, जितना भोग करना है भोग करो, कम से कम जाकर के कथा सुन लो, ज्ञान का अनुशीलन कर लो, एक आध बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले भक्त लोगों से किताब खरीद लो, उस किताब को पढ़ना चालू कर दो, घंटा दो घंटा कथा सुन लो, प्रोग्राम्स कर लो, इतना तो कर सकते हैं। वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, ये सिस्टम बताया भगवान ने। और इससे भी नीचे हो तो फिर तो तुम मूल हो गए, जानवर बन गए। तो समझ आया होगा आप सभी को, सबसे निम्न स्तर है भक्तों की संगति में जाकर के बीच बीच में कथा सुन लेना। उससे श्रेष्ठ स्तर है कि हम अपने कर्म के फलों का किसी न किसी व्यक्ति को त्याग करना चालू कर दें। फिर उससे श्रेष्ठ है कि वो फलों का त्याग अर्थात पैसे को किसी और को न दे करके भगवान की सेवा में लगाएं, मंदिर में दें, भगवान के भक्तों को दें, सारा पैसा दे दें। उससे श्रेष्ठ है कहीं और काम न करके पैसा कमा के मंदिर को देने के बजाय
हम काम ही सीधा मंदिर में भगवान के लिए करने लग जाए, समझ रहे हो। उससे भी श्रेष्ठ है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति के अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं जप कर पा रहे हैं, मंगल आरती नहीं कर रहे हैं, भागवत कथा का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। बोले उससे श्रेष्ठ है इन भक्ति के अंगों का पालन करना, और उससे श्रेष्ठ है मन और बुद्धि को इच्छा के साथ पूरी तरह से लगा देना भगवान की भक्ति में, भगवान के लिए कार्य करने में, वो सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, मतलब सबके लिए दरवाजा खोल के रखा हुआ। कोई कहे फिर तो मैं सबसे आखिरी वाला ही करूंगा बस, क्योंकि भगवान ने तो ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। अरे ये कहने का भगवान का आश्रय नहीं है, भगवान का आशय कुछ और है। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अगर तुम ये नहीं कर सकते नीचे वाला करोगे तो फल भी तुम्हें नीचे वाला ही मिलेगा। आप सोचो कि सीधे भगवान मेरे को पहले ही केवल कथा सुनने से, दो चार दिन संडे प्रोग्राम करने से सीधे भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान उससे ऐसा करने से तुम ऊपर वाले स्तर पर जाओगे, फिर उसको करने से फिर और ऊपर वाले स्तर पर चढ़ोगे, फिर उसको करने से और ऊपर वाले स्तर पर चलोगे, तब जाकर के मई बुद्धि मई मन आदर्श, जब मेरे में मन आदर्श हो जाएगा, बुद्धि लग जाएगी, तब निर्विशिष्य सी मई, तब तुम मेरे अंदर वास करोगे अर्थात तो मेरी गोद में बैठ जाओगे, तब ऐसा होगा। इतना सहज नहीं। एक भक्त थे, वो गुरुजी से दीक्षा लेना चाह रहे थे। गुरुजी बोले तुम परिक्रमा लगाओगे राजी की, अभ्यास करो। अभ्यास करते गए करते गए करते गए, 10 साल बीत गए। 10 साल बाद वो आए, गुरुजी बोले मेरे पास कुछ दिख रहा है तुमको? बोले कुछ नहीं दिख रहा है। बोले जाओ फिर परिक्रमा लगाओ। फिर परिक्रमा गिरिराज जी की लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, 10 साल और बीत गए। हम लोगों ने तो दीक्षा को लॉलीपॉप पकड़ लिया है ना, समझ लिया है। फिर उसके बाद 20 साल के बाद फिर वो आए, और गुरुजी कमरे में बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे तो गुरुजी ने पूछा तुम्हें कुछ दिख रहा है? बोले हाँ, आपकी गोद में राधा श्याम सुंदर भगवान दिख रहे हैं राधा रानी के साथ। तो बोले आ जाओ फिर मैं अब तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ। उन्होंने दीक्षा दे दिया उनको, और दीक्षा की जरूरत भी नहीं थी जब सारा दिखने लग गया, तो दीक्षा तो पहले ही हो गई थी। एक प्रकार से आज्ञा पालन वो कर रहे थे, उन्होंने अभ्यास में लगा दिया। गुरु का काम है अभ्यास में लगाना, तो गुरु का काम अभ्यास में लग गया। अब उसके पश्चात तो उस अभ्यास करते 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 निवशिष्य सी मई, भगवान की गोद में भक्त रहता है और भगवान भक्त की गोद में रहते हैं। जैसे मैंने गीता में आपको दो चित्र दिखाए थे, एक में भगवान ऊपर दिख रहे हैं, एक में भगवान नीचे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्त के लिए भगवान स्वामी होते हैं और भगवान के लिए भक्त स्वामी बन जाता है। ये रहस्य की बात है। तो लेकिन ये क्रम से ऊपर जाना पड़ेगा। आदमी नीचे वाला क्रम तो लेना चाहता है, यार पैसा दान देने से अच्छा नीचे वाला ठीक है, ऐसा करने से ही भगवान मिल जाए। ऐसा करने से भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ऊपर वाली स्टेप्स में नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ऊपर वाली स्टेप्स में जाओगे तभी भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। प्रभुपाद जी को ऐसे साक्षात दर्शन होते थे। एक भक्त प्रभुपाद जी को लेक्चर के समय पूछ रहा है, प्रभुपाद आपने भगवान को देखा है क्या? और आरती चल रही थी, प्रभुपाद जी आए थे। प्रभुपाद जी उस भक्त को कहते तू साइड में हट और मेरे को देखने दे भगवान को, क्योंकि भगवान के दर्शन करने में बीच में आ रहा था। और वो खुद भी भगवान को देख रहा है लेकिन भगवान उसे नहीं दिख रहे हैं, विग्रह देख रहा है लेकिन विग्रह रूप में साक्षात अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे तू साइड हट ना, मेरे को देखने देना। तो प्रभुपाद जी को साक्षात अनुभूति होती है, ये अंतर होता है, क्योंकि उनकी मन और बुद्धि पूरी तरह से लगी हुई है, हमारा मन बुद्धि के स्तर पर नहीं। ये क्रम प्रभुपाद जी ने, भगवान ने यहाँ पर सबके लिए दरवाजा खोल करके रखा है, लेकिन तारतम्य जरूर है कि हाँ ये इस स्तर का भक्त है, ये इस स्तर का है, इस स्तर का, इस ये भगवान की कृपा है। क्यों? भगवान कल्प करु है, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, हर व्यक्ति को उंगली पकड़ना चाहते हैं, उंगली पकड़ करके सबको अपने पास लाना चाहते हैं। तो भगवान ने सबके लिए मौका दिया है। जब कोई व्यक्ति ऐसा भक्त बन जाता है, भक्त बनते ही इस प्रोसेस को अपनाते ही साकार उपासना में जब कोई व्यक्ति लग जाता है तो उसके अंदर फिर गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति
बोले जिसके अंदर अगर भक्ति आ जाए बस उसके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। दूसरी ओर जो भक्त नहीं, हराव अभक्त से कुतो महत होना, उसके अंदर महान गुण आए कहां से जो भगवान का भक्त नहीं। भक्ति आ गई बस जड़ पकड़ लिया उस वृक्ष ने, अब वो हरा भरा होना ही। भक्ति नहीं आई चाहे कितना भी हरा भरा है लेकिन जड़ नहीं पकड़ा है, वो सारा हरा भरापन सब सूख जाएगा उसका, सब पत्ते सूख जाएंगे क्योंकि जड़ कनेक्ट नहीं है ना, जड़ डिसकनेक्ट हो रखी है। इसलिए केवल भक्ति, तो भक्त के अंदर फिर कैसे गुण आ जाते हैं, अपने आप गुण आ जाते हैं। अब दो चीजें, भक्ति करने से गुण आ जाते हैं और जिसके अंदर गुण है उसके पास भक्ति जल्दी आ जाती। तो कोई व्यक्ति गुणों को लाने का प्रयास करता है थोड़ा सा तो भक्ति जल्दी आ जाती है, ध्यान रखता है कि यार भगवान ने कहा था मेरे भक्त के अंदर ऐसे ऐसे गुण होते हैं, मेरे अंदर ये वाला गुण मेरे को विकसित करना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी, तो फिर भगवान दया कर देते और भक्ति दे देते। जैसे प्रथु महाराज के अंदर गुण था, प्रथु महाराज के अंदर क्या गुण था, क्षमाशीलता का गुण था। यज्ञ कर रहे थे, संकल्प था 100 यज्ञ पूरे करेंगे, उद्देश्य था भगवान की खुशी के लिए। इंद्र देव घबरा गए, इंद्र को लगा कि कहीं मेरी कुर्सी हत्याने के लिए तो नहीं यज्ञ कर रहे हैं। तो इंद्रदेव यज्ञ के घोड़े को चुरा ले जाते थे हर बार, जो चुरा ले जाते थे तो बार बार छीन के लाते थे प्रथु महाराज या उनके बेटे लोग, तो इंद्र से वापस छीन के लाते थे। इंद्र बार बार घबरा करके हर बार चुरा के लेके जाते थे, तो आखिर में प्रथु महाराज इतने शक्तिशाली थे, वो तो भगवान के अवतार थे लेकिन उन्होंने एक संसारी राजा का रोल निभाया। तो उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं इंद्र को मार ही डालूंगा। जब इंद्र को मारने की जब बात आई तब ब्रह्मा जी चले आए। अंशिका माता सुन रहे हो आप, आंखें खोल के सुनो। तो इंद्र को जब मारने की बात आ गई तो एकदम से ब्रह्मा जी आ गए, बोले अरे इंद्र भी तो भगवान का भक्त है, वो भी तो भगवान के आदेश पे ही कार्य कर रहे हैं, आप भी भक्त हो, अब वो नहीं संभाल रहे तो आप समझ जाओ, आप एक यज्ञ कम कर लो, आपको तो भगवान की खुशी के लिए यज्ञ करना है ना, आप सही हो अपनी जगह पे, गलत इंद्र ही है, लेकिन इंद्र को समझाया नहीं जा सकता, आप झुक जाओ, आप झुक करके छोड़ दो अपनी जिद छोड़ दो। तो उन्होंने जिद छोड़ दिया ब्रह्मा जी के कहने पर। अरे ब्रह्मा जी के कहने पर जिद छोड़ दिया तो भगवान को बहुत अच्छा लगा, भगवान बड़े खुश हो गए, देखो इसकी गलती नहीं है फिर भी यह व्यक्ति झुक गया, और जिसकी गलती है उसको कोई नहीं कुछ कह रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, गलती जिसकी होती है उसको कोई कुछ कहता नहीं है, और जिसकी गलती नहीं बोले तू ही झुक जा यार, उसको तो समझाया नहीं जा सकता, तो इतना बेवकूफ है, तुम समझदार है कम से कम तुम तो समझ जाओ। और कोई व्यक्ति डीठ बन करके अड़ जाए, नहीं मेरी गलती बताओ पहले तब मैं सुधार करूं, जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं क्यों झुकूं, आखिरकार नहीं झुकूंगा मैं। अरे भैया मार्ग ही ऐसा है विनम्रता का, झुक जाओ बिना गलती के भी। प्रथु महाराज झुक गए, झुक गए तो क्या हुआ, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन की कामना नहीं की थी, झुकते ही ये गुण देखा नहीं कि एकदम से भगवान साक्षात प्रकट हो गए, और भगवान के दर्शन किया, और दर्शन किया तो इतने खुश हो गए कि भगवान के चरण वैसे धरती को छूते नहीं है, भगवान ऊंचे रहते हैं धरती से, तो चरणों को लिपट गए, और लिपटते ही इतने कस कसा करके उन्होंने चरण पकड़े कि भगवान के चरण एकदम से टप नीचे आकर के जमीन को खड़े हो गए, इतने भगवान प्रसन्न हो गए। और बोले भगवान से, भगवान बोले तुम वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे इस गुण को बहुत प्रसन्न हूं। तो प्रथम महाराज बोले अरे हम क्या वरदान मांगे, हमारे पास तो बुद्धि है, आपको जो अंगार भूस जो देना है आप खुद ही दे दो। तो भगवान बोले चलो ठीक है मैं तुम्हें भक्ति दान देता हूं, जो भक्ति बहुत दुर्लभ है वो भक्ति भगवान ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद रूप में दे दिया। तो भगवान भक्ति दे देते हैं, कब दे देते हैं, जब ऐसे गुणों को देखते हैं। दूसरी ओर इंद्र को भी छोड़ा नहीं भगवान ने, भगवान इंद्र को गर्दन पकड़ के लेके आए और बोले तू माफी मांगो, इंद्र को भी झुका दिया। तो देखो दोनों ही हाथों में लड्डू हो गए ना, इंद्र को भी माफी मांगनी पड़ गई, इंद्र को भी झुकना पड़ गया, और इनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। तो जो भक्त होता है उसके अंदर अपने आप भक्ति के ये गुण आ जाते हैं भक्ति करने से।
और जब इन गुणों के लिए थोड़े हम सजग होकर कार्य करते हैं तो भक्ति जल्दी आ जाती है। कौन से गुण हैं? 13 से लेकर के 20वें श्लोक तक इन गुणों का विशेष वर्णन किया है। इन गुणों में 4 प्रकार के गुण देखे जाते हैं, जिसमें व्यवहार भक्त का कैसा होता है गुणों के कारण। एक तो उसका खुद का व्यवहार होता है खुद के प्रति, एक उसका बाकी भक्तों के प्रति व्यवहार होता है, एक उसका समाज के प्रति व्यवहार होता है, और एक उसका भगवान के प्रति व्यवहार होता है। 4 प्रकार के व्यवहार भक्तों के, जिसके अंदर भक्ति आ गई उसके अंदर देखा जाता है। वो 4 प्रकार के व्यवहार कैसे होते हैं उसका वर्णन इन 20 श्लोक तक किया है। लक्षण बताए भक्तों की, कोई व्यक्ति ऐसा क्लेम नहीं कर सकता मैं तो पहले वाले श्लोक वाला भक्त बन गया, मेरा मन और बुद्धि रात दिन भगवान में लगी हुई है। अरे तुम इतने टॉप मोस्ट भक्त बन गए तो तुम्हारे अंदर ये गुण आ जाने चाहिए। सबसे पहला गुण क्या है? बोले अद्वेष्टा। भक्त का सबसे पहला गुण हो जाता है वो किसी से द्वेष नहीं करता। द्वेष मतलब चिढ़ता नहीं। अभी जैसे मान लो हम किसी दुकान को कर रहे हैं और हमारे पास में उसी प्रोडक्ट की दुकान दूसरा व्यक्ति डाल दे तो हम उस दुकानदार को लेकर के चिढ़ेंगे कि नहीं चिढ़ेंगे? चिढ़ेंगे ना, मैं आप ही चिढ़ने लग जाते हैं। अब मान लो हम मंदिर में भक्ति कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है और उसको देख करके हम चिढ़ने लग जाए, मतलब हमारे अंदर द्वेष है। या कोई दूसरे मंदिर का भक्त पास में आकर के वो भी प्रचार करने लग जाए, हम उसे चिढ़ने लग जाते हैं, ये मंदिर के लोग यहाँ कैसे आ गए, ये तो मेरा अड्डा है, इसने यहाँ कैसे दुकान खोल दिया। तो हम दूसरे भक्तों से चिढ़ जाते हैं। ये चिढ़ना है, बोले ये द्वेष है अंदर। अरे मंदिर के अंदर भी गुटबाजी हो जाती है, ये इस ग्रुप के लोग हैं, ये इस ग्रुप के लोग हैं। अर्थात हमारे अंदर क्या है? द्वेष है। तो बोले अद्वेष्टा, सबसे पहला गुण भक्ति का है वो है द्वेष नहीं होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से भी द्वेष नहीं करता, न दूसरे भक्तों से करता है, न किसी जीव से करता है, किसी से भी द्वेष नहीं करता। ये अद्वेष में क्या करता आदमी? बोले इसको जान से मार दो। वो कई बार बोले इस कमरे में तो इतने ऐसे ऐसे जीव जंतु निकल के आ रहे हैं, बोले मैंने कईयों को तो मार डाला। मार डाला मतलब सब जीव जंतुओं से तुमने द्वेष किया। मैंने कहा ऐसे मारना नहीं चाहिए। बोले मेरे को पता ही नहीं था। तो आदमी जिससे द्वेष करता है उसको मार डालता है, या उसे दूर जाना चाहता है, या उसको दूर भगाना चाहता है। सर्वभूतानाम, चीटी से भी द्वेष नहीं, छिपकली से भी द्वेष नहीं, चूहे से भी द्वेष नहीं, किसी से भी द्वेष मत करो। मारो मत, कम से कम उनसे अपने आप को बचा सकते हो लेकिन मारो मत किसी को। ये भक्त के लक्षण होते हैं। दूसरा, ये तो सब जीवों के प्रति उसका लक्षण व्यवहार हो गया, वो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता। दूसरा, अन्य भक्तों के प्रति वो मैत्री निभाता है, सब जीवों के प्रति मैत्री निभाता है, मित्र बन जाता है। द्वेष नहीं तो मित्र होगा? दो ही चीजें होती, राग और द्वेष। राग मतलब प्रेम और द्वेष मतलब घृणा। जब द्वेष खत्म हो गया तो फिर मित्र बन जाएगा। मित्र जैसे ही बन जाएगा उसको उस पर दया आएगी, करुणा आ जाएगी, करुणा अपने आप आ जाएगी, उसका भला करना चाहेगी। तो ये गुण दूसरे लोगों के लिए है। अपने लिए क्या? बोले निर्ममो, स्वयं में ममता रहित रहेगा वो, निरअहंकार, मैं और मेरा उसके अंदर नहीं रहेगा। मैं और मेरा ये दो बीमारियां हैं, ये अहंकार, मैं और मेरा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अपने अंदर अंदर जब जो अहंकार है वो मैं के रूप में जाना जाता है, वही अहंकार अपने आप से जब बाहर के जगत में जब जाता है तो मैं मेरा बन जाता है, वो ममता बन करके व्यवहार करता है। इसको कहते हैं अहमता और ममता। अर्थात अंदर का जगत अहमता है और बाहर का जगत ममता है। तो ये जो अपने प्रति व्यवहार है उसका, जिसमें उसका मैं स्वयं की खत्म हो जाती है और खुद को लेकर के वो दूसरी चीजों को लेकर के मेरा अधिकार नहीं समझता। बोले ये मेरा कमरा है साहब, इस कमरे में दूसरा व्यक्ति घुसना तो दूर, बाथरूम तक यूज नहीं करने दूंगा, मैं साफ करता हूं इस बाथरूम को, पता है? दूसरा कैसे साफ, दूसरा कैसे घुस सकता है?
इसलिए मेरा चीज, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरी पगार, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, तो मैं मेरा उसका खत्म हो जाता है। निर्ममो निरअहंकार, अपने लिए उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। सम दुख सुख क्षमी, वो दुख और सुख में अपने लिए समान हो जाता है, दूसरे के लिए नहीं, अपने आप में व्यवहार में सम दुख सुख क्षमी, दूसरों को क्षमा करने के लिए स्वभाव विकसित कर ले। संतुष्ट, याद रखो, किसी के पास अगर 10 लाख रुपया है और वो चाहता है कि 15 लाख हो जाए, 10 लाख तो है, 15 लाख हो जाए, मतलब संतुष्ट है क्या? वो संतुष्ट नहीं है, वो तो भुक्कड़ है, वो तो खाली है, वो तो खोखला है। खोखले व्यक्ति के अंदर ही इच्छा जागृत होती है। अब वो चाह रहा है कि 5 लाख की जो खोखली जगह बची है उसको भर दो, इसलिए वो खोखला आदमी है, वो संतुष्ट नहीं है। अपने आप में भक्त संतुष्ट होता है। भक्ति इतनी बड़ी चीज है कि भक्ति अगर आ जाती है तो उसके अंदर ऐसा विशेष गुण आ जाता है कि 10 लाख के बाद वो 15 लाख नहीं सोचता, या 10 लाख होने के बाद सोचता है मैं 1 करोड़ कब कमा लूं, कब आएंगे मेरे पास 1 करोड़, उसके अंदर इच्छाएं खत्म हो जाती, संतुष्ट है। फिर करता क्या, जो संतुष्ट है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। बोले नहीं, सततम योगी वो निरंतर लगा रहता है, यत आत्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ इसमें लगा रहता है, मई अर्पित मनोबुद्धि, वही मन बुद्धि जिसके लगे हुए थे उसके गुण आ गए यहाँ। मद भक्त समय प्रिय, भगवान कहते वो मेरे को बड़ा प्यारा है। देखो कई बार हम जानना चाहते हैं कि भगवान जैसे ध्रुव महाराज को प्यार करते हैं, प्रहलाद जी को प्यार करते हैं, द्रौपदी को प्यार करते हैं, कुंती को प्यार करते, मेरे को क्यों नहीं प्यार करते? उन्होंने मेरे को तो बिल्कुल छोड़ ही रखा, राधा रानी को इतना प्यार करते। एक माता जी कहती खुद तो राधा रानी को लेकर के ऐश करते रहते और मेरे को पार्टनर ऐसा कर दिया जो कभी गले ही नहीं लगाता, मेरे को मेरा पार्टनर इतना दुखी रखता है, वो कभी मेरे को प्यार ही नहीं करता, आखिरकार मेरे मन में भी इच्छा होती कोई मेरे को प्यार करे। बोले ऐसा हस्बैंड मेरे को पकड़ा दिया है, खुद ऐसी सुंदर बीवी लेकर के घूमते रहते हैं। अब क्या करें भाई, पति ऐसा तो है नहीं कि अब इस पति को छोड़ के दूसरे के साथ शादी कर लो पटाख से। अरे तुम्हारे से भी भगवान ऐसा प्यार करने के लिए तैयार, सीधे भगवान से भगवान का प्यार पा सकते हो। तुम्हारा पति तुम्हें प्रेम नहीं कर रहा जाने दो ना, तुम्हारी माँ प्रेम नहीं कर रही, बाप प्रेम नहीं कर रहा, भाई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा समाज में, तो भगवान तो करने के लिए तैयार है। भगवान ने यहाँ घोषणा किया है, बोले यो मतलब जो भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अर्जुन की बात नहीं हो रही है। भगवान घोषणा करे मैं किसे प्यार करता हूं, मेरे को कौन व्यक्ति प्रिय है, तो प्रिय व्यक्ति मद भक्त, जो मेरा भक्त है। भक्त कौन सा, जिसने मन बुद्धि लगा दिया है। मन बुद्धि जिसने लगा दिया उसके गुण कौन से होते हैं, बोले अद्वेष्टा सर्वभूतानां। यहाँ कोई भी छल कपट नहीं है, कोई भी अंधविश्वास नहीं है, सब चीजें खोल के रख दी गई है। मेरे को कौन प्यारा है भगवान ने घोषित कर दिया है, और कौन प्यारा है भगवान बता रहे हैं, यस्मान न उद्विजिते लोको, जिसकी वजह से दूसरे लोग परेशान नहीं होते, लोको न उद्विजिते चेय, और वो लोगों के द्वारा परेशान नहीं होता, अर्थात इतनी सहनशीलता होती है प्रहलाद जी की तरह कि वो कभी भी इतना भी कोई हाथ धो के पीछे पड़ जाए लेकिन भक्त अपने आप में किसी के द्वारा परेशान नहीं होता, मतलब शिकायतें खत्म उसकी। ये नहीं मेरी सास बहुत परेशान करती है, मेरा पति बहुत परेशान करता है, प्रभु जी आप नहीं समझते, आप तो मंदिर में रहते हो आपको क्या पता, मेरा मंदिर में एक कहता मेरा मंदिर में प्रेसिडेंट बहुत परेशान करता है, मंदिर के भक्त लोग मेरे को बहुत परेशान करते रहते हैं, मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है और भक्त लोग नुकसान करते हैं, मैं उनको डांटता हूं तो भक्त लोग ही मेरे से नाराज हो जाते हैं, इस तरह से मैं परेशान रहता हूं। अरे भक्त को कोई परेशान नहीं कर सकता, भक्त होना चाहिए और भक्त की वजह से कोई परेशान नहीं होता, ये ध्यान रखो। कोई कहे प्रहलाद जी ने तो अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था, अरे प्रहलाद जी ने परेशान नहीं किया था, वो खुद ही परेशान हो रहा अपने आप में। मेनली कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रसन्न करे, और प्रसन्न कैसे कर रहा है, उसको दारू की बोतल ला करके ले भैया तू खुश रहे, ले भैया तू बीड़ी पी, ले भैया तू सिगरेट पी, ऐसे प्रसन्न करके चलने से थोड़ी ना कोई ऐसे श्लोक को कह सकता है कि देखो मेरी वजह से कोई व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। वो मांस खाना चाह रहा है तो मैं मांस के पकौड़े ला के उसको खिला रहा हूं, क्योंकि परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं,
आखिर में वो कितना ज्यादा परेशान होगा पता नहीं आपको, उसके कर्म कितने भयानक उसको दंड देंगे। इसलिए आपकी भक्ति देने से अगर कोई परेशान हो रहा है तो परेशानी नहीं, वो परेशानी को दूर करने वाली बात है आगे चल करके, आप तो उसकी परेशानी को दूर करें। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को आप प्रचार करें और लोग परेशान हो रहे हैं तो इसलिए बोले श्लोक कह रहा है परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। आप सुबह सुबह किसी को उठाने लग गए मंगल आरती, बोले परेशान नहीं करो मेरे को नहीं तो ये श्लोक में आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं। उसको पानी डाल करके उठाओ, परेशान करो जिससे कि वो भक्त बन जाए, जिससे उसकी सारी परेशानी दूर हो जाए। दूसरा वो हर्ष अमर्ष भयोर उद्वेगी, अर्थात हर्ष से और ईर्ष्या आदि से, दुख आदि से और भय और उद्वेग से, इन सब चीजों से मुक्त रहता है भगवान कर। जो ऐसा है समय प्रिय वो मेरा प्यारा है। और भक्त का व्यवहार कैसा होता है, बोले अनपेक्षा, वो दूसरे से किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं करता, अपने आप में वो पवित्र रहता है, दक्ष होता है, उदासीन ऊपर बैठा रहता है एक प्रकार से, गत व्यथ व्यथाओं से पूरी तरह से मुक्त रहता है। सर्वाराम परित्यागी यो मधुभक्त समय प्रिय, जो किसी भी फल के प्रति कार्य नहीं करता आसक्त होकर के, वो मेरा भक्त है और वो मुझे प्यारा है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति, जो न हंसता है न किसी चीज को पाकर के न द्वेष करता है, न किसी के नष्ट हो जाने से शोक करता है, न किसी चीज की आकांक्षा करता है, जिसने शुभ को भी छोड़ दिया है अशुभ को भी छोड़ दिया है, ये नहीं समाज सब ये काम अच्छा अच्छा काम है समाज की नजर में चलो ये काम करते हैं, समाज इस काम के लिए बहुत बुरा बोलेगा चलो ये काम नहीं करेंगे, उसके लिए शुभ अशुभ है ही नहीं कुछ। परित्यागी, शुभ अशुभ का त्याग कर दिया, ये नहीं अरे मेरे परिवारजनों के लिए अगर मैं घर बार छोड़ दूंगा तो मेरे परिवारजनों के लिए तो बहुत अशुभ हो जाएगा, नहीं, या मैं संसार में नौकरी चाकरी करूंगा तो सब शुभ हो जाएगा, नहीं, वो शुभ को भी छोड़ देता है अशुभ को भी छोड़ देता है। भक्तिमान, उसके पास भक्ति है ना इसलिए ऐसा कर पाता है। समय प्रिय, वो मेरे को बहुत प्यारा है। 18वें 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं समान शत्रु जो मित्र है, देखो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, शत्रु और मित्र में समान हो जाता है, अर्थात कुछ एक प्रकार से जैसे द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया था ना कि उन्होंने धृष्टद्युम्न को भी शिक्षा दिया और अपने पुत्र को भी शिक्षा दिया, अर्जुन को भी शिक्षा दिया। धृष्टद्युम्न तो पैदा ही हुए थे द्रोणाचार्य को मारने के लिए, फिर भी उन्होंने शिक्षा दी। शत्रु के प्रति व्यवहार, मतलब शत्रु को शत्रु ना समझते उसका भी भला सोचें, जैसे प्रहलाद जी अपने पिता का भला सोच रहे थे, पिता शत्रु बन के बैठा हुआ है लेकिन फिर भी वरदान में प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से पिता का उद्धार मांग लिया। इस प्रकार से समौ शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान, भगवान घोषणा कर रहे मान भी मिलेगा अपमान भी मिलेगा, इसमें तुम्हें समान रहना सीखना चाहिए। मान मिलने पर एकदम फूल के लट्टू नहीं हो जाना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो बहुत सम्मान मिलता है, बहुत चीला खाने को मिलते हैं, बहुत पिज्जा खाने को मिलते हैं, बहुत मेरे को यहाँ पर बर्गर मिलता है, बहुत मेरे को यहाँ पर सैंडविच मिलती है, चलो चलो कितना सम्मान करते हैं देखो, और कोई सुबह उठाता नहीं, कोई कष्ट नहीं देता, सब जी जी करके बात करते हैं, चलो मैं वहीं पर जाकर के रहूंगी या रहूंगा। और जहां पर बोले मिर्ची को भी फ्राई करने में 50 बार ताने पड़ते हैं और लोग जीने नहीं देते, ऐसा है वैसा है, अपमान मिलता है, बोले यहां से पीछा कब छूटेगा, नहीं ऐसा नहीं, समान स्तर पर हमें सोचना पड़ेगा। हमें सुविधाएं मिल रही तो भी भगवान की कृपा है, असुविधाएं मिल रही तो भी भगवान की कृपा है, भगवान जैसे रखे वैसे ठीक, ये सब आएगा। शीत उष्ण सुख दुखेशु, कभी सर्दी आएगी कभी गर्मी आएगी, इसमें समान रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। कई बार इतनी गर्मी हो जाती, बोले अब तो एसी चाहिए ही चाहिए, कोई रास्ता नहीं, इतनी गर्मी, बोले अब सहन ही नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति हो जाती है, या इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है। ऐसा कब होता है, जब हमारे अंदर वास्तव में भक्ति नहीं है। भक्ति आ जाए ना तो फिर पता ही नहीं चलता गर्मी किधर है, सर्दी किधर है, भूख किधर है, प्यास किधर है, मान किधर है, अपमान किधर है, उसके ऐसे गुण आ जाते हैं, निंदा किधर है, स्तुति, कोई फर्क नहीं पड़ता। शीतोष्ण सुख दुखे जो समा संग वर्ज विवर्जित, आसक्ति का त्याग करने वाला होता है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति समान समझता है, तुल्य मतलब बराबर की समझता है, और मौनी होता है, फालतू की बातें नहीं करता संसार में। संतुष्ट येन केनचित, संतुष्ट रहता है अनिकेत, मकान दुकान की परवाह नहीं करता,
पेड़ के नीचे भी रहने के लिए मिल जाए तो रह लेता है। स्थिर मति, उसकी मति स्थिर होती है। भक्तिमान में प्रियो नरह, नरह शब्द मतलब नरी ज्यादातर देखे जाते हैं, ऐसे जानवर आदियों में ऐसे लक्षण नहीं देखे जाते, इसलिए हम सभी मनुष्य हम चाहें तो ऐसे लक्षण विकसित कर सकते हैं भक्ति की दया से। तो भगवान कह रहे हैं प्रियो नरह, वो मेरे को बहुत ज्यादा प्यारा है। आखिर में 20वें श्लोक में भगवान ने एक विशेष बात कही, अतीव में प्रिया, भगवान कह रहे हैं वो तो मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा है। अतीव प्रिया, कौन प्यारा है? बोले जिसके अंदर कोई लक्षण है, लक्षण नहीं बोल रहे भगवान यहां, ये तो धर्म अमृतम इदम यथोक्तम परिपास्ते, ये मैंने तुम्हें जो धर्म सिखाया था भक्ति वाला, बोले इस भक्ति वाले धर्म को, कोई उपासना वाले धर्म को अगर कोई करता है, कैसे श्रद्धाना मत परमा, मेरा को परम मानते हुए और परम श्रद्धा का आश्रय लेकर के, बोले ऐसा भक्त मतलब भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान को ज्यादा प्रिय है। अतीव में प्रिया, किसी के अंदर ऐसे गुण हो वो भगवान ने कहा वो प्रिय है, लेकिन जो इस भक्ति के प्रोसेस को कर रहा है, उस प्रोसेस के होते हुए हो सकता है उसके अंदर कोई गुण ना हो, हो सकता है गुण तो दूर की बात है वो दोषों से भरा हो। अपिचेत सुदुराचारो, सुदुराचार है लेकिन भक्ति कर रहा है, कोई कोई अभ्यास के कारण, पिछले जन्म के कारण, स्वभाव के कारण, कामी स्वभाव के कारण, क्रोधी स्वभाव के कारण, लोभी स्वभाव के कारण, उसको दुष्कर्म भी हो रहा है, उसके अंदर ये सब गुण नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर वो भजन में लगा हुआ है, भक्ति के प्रोसेस में लगा हुआ है, प्रोसेस की बहुत महिमा है। बोले भक्ता, वो भी भक्त है जिसको भगवान नौवें अध्याय में पहले ही बोल करके आ गए, अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे वस मंतव्य, उसको साधु मानना, और भगवान खुद यहां करे वो मेरा भक्त है। कौन? जो ऊपर मैंने धर्म का वर्णन किया है, जो भक्ति का मैंने वर्णन किया, इस भक्ति के प्रोसेस को जो अपना करके चलता है, भक्ता वो भक्त है। ते अतीव में प्रिय, ऐसा भक्त मतलब कोई भी हो सकता है। अतीव में प्रिय, अतीव मतलब वो तो अतीव मतलब कुछ ज्यादा ही प्यारा है। इसलिए किसी व्यक्ति के गुणों को कम देखना, किसी भी व्यक्ति के अंदर ये देखना कि जप कर रहा है कि नहीं, किसी व्यक्ति को ये देखना ये नाच रहा है कि नहीं, किसी व्यक्ति को ये देखो मंगल आरती कर रहा है कि नहीं, किसी व्यक्ति को ये देखो गीता पढ़ रहा है कि नहीं, ये देखो भागवत पढ़ रहा है कि नहीं, ये मत देखो धिक्कार है तेरे गीता भागवत पढ़ने पर, तू तो काम ही निकला, धिक्कार है तुम तो क्रोध करता है, धिक्कार है तुम तो लोभ के पीछे जा रहा है, तुम तो गया गुजरा है, तुम तो भक्त के नाम पर कलंक है, तुम तो मिथ्याचारी है, ऐसे मत बोलना कभी भी। क्योंकि भगवान को ऐसे गुणवान लोगों से ज्यादा प्यारा है, वो सबसे ज्यादा प्यारा है। अब विचार करो भगवान की कितनी दया है, कोई दया की सीमा है नहीं। भगवान केवल और केवल कह रहे तुम मेरे इस प्रोसेस में लग जाओ। कौन से प्रोसेस में? पहला प्रोसेस कथा सुनने का, उससे बड़ा फल का त्याग करने वाले बन जाओ, भोगी मत बनो, किसी के लिए भी फल का त्याग करना चालू कर दो, उदार बन जाओ। उससे बड़ा फल का त्याग कहीं भी ना करके मंदिर में करना चालू कर दो, उससे बड़ा मंदिर में मंदिर के लिए काम करना चालू कर दो, बाहर काम करके फल कमाने के बजाय मंदिर में काम करना चालू कर दो, उससे बड़ा मंदिर में भक्ति के अंगों का अभ्यास करो काम करने के साथ साथ, उससे बड़ा अभ्यास से बड़ा मन लगा करके आज्ञा का पालन करो, मत चित्ता मदगत प्राणाम, ये मन मना भाव मत भक्तो मत व्याजी मान करो, ये प्रोसेस भगवान ने दिया है। इस प्रोसेस में अगर कोई लग गया वो भगवान को अतीव प्यारा है, अतीव प्यारा है। बोले ऐसे कैसे प्यारा बन गया? उसके अंदर तो अवगुण देखे जा रहे हैं। बोले चिंता मत करो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा वो, क्योंकि इस प्रोसेस की इतनी ज्यादा ताकत है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से भी इतनी बड़ी उपलब्धि पानी भैया, तो सीधा नाम जपने वाला क्या नहीं बन जाएगा। इसलिए
और महाप्रभु की अनुयायी कोई बन गया तो उसको क्या उपलब्धि शेष रह जाएगी, उसके लिए कुछ शेष नहीं रहने वाला। इसलिए सभी भक्त लोग इस रहस्य को समझें और इस सिद्धांत को समझ करके अपने अंदर ये भी चेतना करनी है, ये भी सोचना है, चलो मैं भक्ति का प्रोसेस अपना रहा हूं लेकिन अभी तक ये गुण आ क्यों नहीं रहे, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये गुण मेरे अंदर आ जाने चाहिए थे अभी तक, क्योंकि भक्तों के अंदर तो ये गुण आ ही जाते हैं, उसके अंदर ये होना चाहिए थोड़ी जिज्ञासा कि भक्ति आने पर तो ये गुण आते ही हैं क्योंकि भक्ति का फल है। इसका मतलब भक्ति प्रोसेस को अपना रहा हूं, ये गुण नहीं आ पा रहे मतलब कहीं ना कहीं अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भक्तों के प्रति अपराध हो रहे हैं, इसलिए भक्ति अपना असर नहीं दिखा पा रही। भक्ति का एक एक अंग असर दिखाता है, नाम जपोगे तो नाम से ये गुण आ जाएंगे, धाम जप धाम का आश्रय लोगे धाम से गुण आ जाएंगे, भक्तों का आश्रय लोगे तो भक्तों का गुण भक्तों की वजह से आ जाएंगे सब कुछ, लेकिन नाम जपते समय नाम अपराध करेंगे तो नहीं आएंगे, ऐसे भक्तों के साथ रहते हो वैष्णव अपराध करेंगे तो कुछ नहीं होगा, धाम में रहते हो धाम अपराध करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लीला सुनते समय लीला में श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, इसलिए अपराध जब रहेंगे तो फिर इसका रिजल्ट नहीं है, और रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर कैसे हम भगवान के प्यारे बनेंगे, कैसे हम भगवान के पास पहुंचेंगे, लक्ष्य भगवान के पास जाना है। मौत कभी भी किसी भी व्यक्ति की आ सकती है, मृत्यु आए भैया उससे पहले हमें भगवान के पास करें। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।